हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है बसंतपुर, अगवानपुर के आसपास का जो यमुना से लगा एरिया है। पहले तो बाढ़ की वजह से त्राही त्राही मची, लोग प्यासे मरे, भूखे मरे, घरों में नुकसान पहुंचा, काफी सारा नुकसान हुआ, इतना कि लोगों के परेशान है। आज तक उनकी त्रासदी मिटी नहीं है। अब फिलहाल में इनके पास करीब 5,000 से लेकर 5,500 के बीच में घरों में नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। दरअसल नोटिस भेजे गए हैं कि अपना घर खाली करिए, ये आप अवैध कॉलोनी में बसे हैं, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। सोचेगा आसपास का इलाका आपको दिखा दूं, ये तमाम पीछे का लंबी चौड़ी गली है, बहुत सारी अच्छी खासी बता दूं, ये एरिया का भी छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है, यहां पर घरों में मान के चलिए खौफ का मंजर है, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, बार बार जगते हैं, परेशान इस बात की आती है। इनका अल्टीमेटम टाइम दिया गया है जिसमें कि जब से हम लोग रह रहे हैं हमारे पास हाउस टैक्स है, ये आप देखिए, हम लोग यहाँ हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। लोग कहते हैं इलीगल कॉलोनी है, तो हम लोग हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। ऐसे पेश करेगा, हाँ जी, हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, पर जो होने चाहिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, सब कुछ है। और हम लोग काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, अभी तो बाढ़ की त्रासदी खत्म नहीं हुई थी। जो कपड़े हम लोग पहने थे सिर्फ वही कपड़े पहन के बाहर निकले थे, बाकी सब कुछ हमारा बेकार हो गया। और उसके बाद अब नोटिस आ गई, जब हम प्रशासन से कोई मूलभूत सुविधा मांगते हैं तो हमारा घर तोड़ने का वो लोग नोटिस दे देते हैं। अच्छा जी, मतलब सीधे सीधे आपका तो हक, आपने जब यहाँ जमीन खरीदी, रजिस्ट्री है यहाँ की, ऐसा जीपी वीपी है क्या यहाँ पर? सर यहाँ पर करीब 20% जिस घर पे आप खड़े हुए हैं इस घर की रजिस्ट्री है। अच्छा, ठीक है, 20% रजिस्ट्री है, बाकी और सबका जीपीए है जी। तो क्या क्या सुविधाएं, मतलब यहाँ क्या सीवर लाइन वीवर लाइन सब डाली हुई है, ऐसा कुछ है अभी? क्यों, कच्ची कॉलोनी है फिलहाल के तौर पे, ये तो दिख गया यहाँ से। जी जी, यहाँ कोई सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है और कच्ची कॉलोनी है, सरकार से हमें पक्की कॉलोनी की मांग कर रहे हैं। सीधा सीधा मुनाफा बताइएगा सरकार का, की सीधा वोटर बने, वोटर कार्ड बने, वो मुनाफा, वोटर कार्ड बने हैं, हमसे रेवेन्यू लेते हैं, कुछ भी हम अगर खरीदते हैं तो टैक्स जाता है, सरकार को ही तो जाता है। रजिस्ट्री कराए, 100 गज पे 75,000 रुपए टैक्स गया, स्टाम्प ड्यूटी सरकार को ही तो मिली, इंडियन गैस ले रहे हैं, रेवेन्यू किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। इंश्योरेंस करा रहे हैं, रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है, तब तो गवर्नमेंट ले लेती है। यहां अगर बोरिंग होती है तो थाने तक पैसा जाता है, ठीक है, कुछ भी होता है जिला प्रशासन को पैसा जाता है, वहां तो पैसा ले लेते हैं, अब फिर इसे क्यों इलीगल कह रहे हैं? और दूसरी चीज, मीडिया से विनम्र अनुरोध है कि मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, ये कोई डूब क्षेत्र नहीं है। जन सूचना अधिकार के तहत यहां एक मांग रखी गई कि एरिया कैसी है, तो उन्होंने बताया किसान की जमीन है, ये पेपर है, ये क्या नोटिस, ये जन सूचना अधिकार के तहत मांगी हुई जानकारी। लिखा है कि जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत निम्न बिंदुवाद बिंदु सूचना के संदर्भ में क्या है, आपने क्या मांगा था, ये लिखा गया है कि बारे मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मोजा अकवानपुर में किला नंबर समथिंग 7/7, ये है कुछ जमाबंदी वर्ष 2018-19 के खेवट में 256 अनुसार तेज राम नारायण सिंह पुत्रान है होमराम की जमीन है। आप किसी भी कार्य दिवस को संबंधित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड संबंधित हल्का पटवारी से सरकारी अदा कर नियमानुसार सत्यापित प्राप्त करें। ये मतलब ये तो वो है ना कि ये तो उसके हिसाब से पटवारी की सरकारी जमीन होती है, राजस्व होता है, कहते खेती बाड़ी की जमीन तो पटवारी बतवाएगी। नहीं नहीं, सरकारी जमीन ये कहीं से नहीं है, ये किसान की जमीन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन नहीं है, ये जमीन किसान की है। तो कॉलोनी काटने से पहले तो एनओसी भी तो होता है शायद, ना ली उन्होंने, इसलिए हो सकता है कि सरकार को दिख रहा है इसलिए तोड़ना चाह रहे हो आपके वैसे कुछ। जब कॉलोनी बस रही थी तो सरकार क्या कर रही थी, जब एक घर बने हुए थे उसी समय नोटिस दे देते हम लोगों को, यहाँ 5,000 घर बनने की क्या जरूरत थी? पहले बसने दिया, फिर बाढ़ में आपको राशन पानी भी दिया, उसके बाद अब राशन छीन रहे हैं। हाँ, राशन पानी भी दिया बाढ़ में हमें, और अब हमारा छत ही छीन ले रहे हैं, पूरी जिंदगी की कमाई तो हम यहाँ लगा दी है अपनी, अब हम कहाँ जाएं? क्या कहना चाहेंगे पारस जी, फिलहाल में लगता है कि टूटेगा या फिर ऐसा है कि कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन है कि इन्हें बचाया जा सकता है? नहीं देखिए, लीगल ऑप्शंस हैं हमारे पास, लीगल ऑप्शंस हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और रही बात जो वैध और अवैध की, तो फरीदाबाद शहर मुझे लगता है कि यहाँ पर वैध और अवैध सरकारों के हिसाब से चलता है। सरकार जिसको चाहती है उसको वैध कर देती है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और जिसको चाहती है उसको अवैध घोषित कर देती है। फरीदाबाद में 70% जो फरीदाबाद शहर है वो पहले अवैध ही बसबसा, उसके बाद फिर उन्होंने उसको पक्का कर दिया, पास कर दिया, और हरियाणा एक एक्ट भी लेके आई है, हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डेफिशिएंट एरिया मैनेजमेंट एक्ट करके लोग लेके आए, डैम बोलते हैं, डेफिशिएंट एरिया मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसे एरिया जिनके अंदर की जो सुविधाएं जो है वो डेफिशिएंट है, कच्ची कॉलोनी है, उनको पास करते हैं लोग, जिसके तहत इन्होंने 183 कॉलोनी पूरे हरियाणा में पास करी और 59 कॉलोनियां शहर इन्होंने फरीदाबाद के अंदर पास की। तो हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि जब बाकी कॉलोनीज पास करी जा रही हैं और ये जब बसावट हो गई, या तो आप इसको अवैध तभी घोषित करते हैं जब यहां पर पहला कंकड़ लगाया जा रहा था इस क्षेत्र के अंदर, इस मिट्टी के ऊपर जब पहला
कंकड़ रखा गया, जब पहली ईंट रखी गई, जब पहली चिनाई चली, पहली दीवार बनी, उस समय सरकार इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ती, और लेकिन सरकार ने इनको बसने दिया। यहाँ पर जो पूरे के पूरे जो पुलिस प्रशासन है उससे लेकर और आगे तक राजस्व अधिकारी तक, सबके पास यहाँ पर रिश्वत का पैसा जाता है। स्टैम्प ड्यूटी ये लोग देते हैं, दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ पर जीएसटी भी सरकार कलेक्ट कर रही है, यहाँ पर सब तरह का जो टैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ले रही है। तो चूसने के लिए, जो इनका खून चूसने के लिए तो ये प्रवासी हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पर इनको लगता है कि अब जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर कंट्रोल एरिया डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, जो तुरंत इसको अवैध घोषित करके इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, केवल 5 दिन का नोटिस दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, अमानवीय है, असंवैधानिक है, राइट टू लाइफ का सीधा सीधा उल्लंघन है इसके अंदर, और हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़े तो भी हम इन घरों को टूटने नहीं देंगे, इन घरों को टूटने देंगे। क्या कहना चाहेंगे सोनू जी? सीधा सीधा है, आसपास का एरिया है, परेशानी आती है, आपने भी मौके पे देखा है काफी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, ये कॉलोनी जब यहाँ पे एक ईंट रखी जा रही थी तब ये सरकार कहाँ थी? आज जब इतने घर बन गए हैं और इन सभी लोगों का वोट बैंक भी है, आप वोट बैंक के लिए तो ये ठीक है कॉलोनी, और जहाँ इनको मूलभूत सुविधाएं देने की बात आती है तो कहते हैं ये अनऑथराइज है। अगर इलेक्शन होता तो शायद नहीं टूटते भी अभी। अभी अगर आप आज कल इलेक्शन हो जाए लोकसभा का, अगर टूट जाए तो आप हमारा नाम बदल देना और बताइए। ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं, ये कॉलोनी वालों को बेघर करने की राजनीति कर